हे गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि फूड क्या है, फूड का इम्पोर्टेंस क्या है और फूड कहाँ से आता है, मेनली प्लांट सोर्स से और एनिमल सोर्स से। सो टुडे वी विल रीड अबाउट व्हाट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आर यूज्ड एज फूड। फर्स्ट वन इज लीव्स। द लीव्स ऑफ द प्लांट्स आर यूज्ड एज फूड्स। किस किस के लीव्स हम खा सकते हैं? कोरिएंडर यानी धनिया, करी लीव्स यानी जिसको हम उड़िया में मिर्सिंगा पतर बोलते हैं वो, क्लियर। ड्रम स्टिक्स यानी हम उसको बोलते हैं उड़िया में मुनगा। स्पिनच मतलब पालक, इन सब का लीव्स हम खा सकते हैं। किस किस का वेजिटेबल्स या फ्रूट्स खा सकते हैं? एप्पल, ऑरेंज, गुआवा का फ्रूट्स, टमाटो, ये वेजिटेबल में जाएगा, क्लियर। देन किस किस का रूट्स खा सकते हैं? दिया गया है रेडिश का, कैरेट का, बीट रूट का, इनका रूट्स हम खा सकते हैं। स्टेम किसका खा सकते हैं? जिंजर, गार्लिक, पटाटो, ठीक है। ये फ्रूट्स के पार्ट में नहीं उगता, ये सब स्टेम में उगता है ये तीनों, क्लियर। सीड्स किस किस का सीड्स हम खा सकते हैं? मेज यानी मक्का, सनफ्लावर सीड्स उससे हम ऑयल निकाल के यूज़ करते हैं, मस्टर्ड सीड्स उससे भी हम ऑयल निकालते हैं, पल्सेस यानी जितना दाल है सब सीड्स तो है, क्लियर। सीरियल्स भी लिख सकते हैं यहाँ पे, सीरियल्स आर ऑल्सो सीड्स, क्लियर। ओके, किसका फ्लावर खा सकते हैं? पपकिन यानी कुमड़ा का जो आता है, देन ड्रमस्टिक का तुम्हारा लीव फ्लावर खा सकते हैं, नीम का फ्लावर खा सकते हैं, क्लियर। ओके, नाउ लेट्स कम टू एनिमल्स। एनिमल्स से हमें क्या मिलता है, कौन कौन सा एनिमल हमें क्या देता है? हम मीट यूज़ करते हैं। मीट हम किस किस का खा सकते हैं? गोट का, चिकन का, शिप का, क्लियर, शीप का सॉरी। एग किसका खा सकते हैं? हेन का, डक का। मिल्क किससे पा सकते हैं हम लोग? काओ, गोट, कैमल, क्लियर। ओके, सो जो हमें मिल्क देते हैं हम उसे क्या बोलते हैं? द एनिमल्स दोज हु प्रोवाइड अस विथ मिल्क। जो भी एनिमल्स हमें मिल्क देगा हम उसे क्या बोलेंगे? मिल्च एनिमल, मिल्च, MILCH, मिल्च एनिमल, क्लियर। और हमें मिल्क तो मिल जाता है, प्लस मिल्क से हम लोग बहुत कुछ और निकाल सकते हैं, जैसे कि हम लोग क्रीम, कर्ड, बटर, घी, चीज़, ये सब हम मिल्क से पाते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम बोलेंगे डेयरी प्रोडक्ट्स। द प्रोडक्ट्स विच आर मेड फ्रॉम मिल्क आर कॉल्ड एज डेयरी प्रोडक्ट्स, क्लियर। हमें हनी भी मिलता है, वी गेट हनी फ्रॉम हनी बी। ओके, सो हाउ डज, क्या हनी डायरेक्टली, हनी बी डायरेक्टली हनी लेता है क्या फ्लावर्स से? नो, एक्चुअली हनी बी कलेक्ट नेक्टर, इट्स अ जूस ऑफ फ्लावर। नेक्टर को वो फ्लावर से कलेक्ट करेगा, उसको बीहाइव में रखेगा, तब जाके वो धीरे धीरे हनी में कन्वर्ट होगा, क्लियर। एक हनी बी में, सॉरी हनी बीज का भी ग्रुप है। ओके, सो हनी बीज मेनली तीन तरह के होते हैं। मेन जो है वो है क्वीन बी, रानी मधुमक्खी। उसका मेन काम क्या है? टू रिप्रोड्यूस, वो हनी बी पैदा करती है। दूसरे हैं मेल बीज, जिसको हम ड्रोन्स बोलते हैं। उनका काम क्या है? वो प्रोटेक्ट करते हैं बीहाइव को और क्वीन बी को, प्लस वो रिप्रोडक्शन के लिए भी हेल्प करते हैं। थर्ड है फीमेल बीज, उनका काम क्या है? मेनली वो फ्लावर्स से नेक्टर कलेक्ट करेंगे, क्लियर। तीन हनी बीज जो हैं उनका ग्रुप का जो है उनका फंक्शंस पता लग गया। नेक्स्ट लेट्स गो टू फर्दर टॉपिक्स। ओके, व्हाट इज एपिकल्चर? नेक्स्ट, हम हनी तो हनी बीज रखते हैं हनी पाने के लिए, तो ये हनी बीज को रियर करना, रियर मतलब उनका लालन पालन करना, उनका केयर लेना, इसको क्या बोलेंगे? एपिकल्चर। सो एपिकल्चर का दो तरह का हम लोग डेफिनेशन ले सकते हैं, मतलब एक ही है। सो पहला है रियरिंग ऑफ हनी बी, रियरिंग मतलब रखना उनको, रियरिंग ऑफ हनी बी फॉर हनी, हनी पाने के लिए उनको रखो, वो है एपिकल्चर। प्लस उनका स्टडी या उनका मैनेजमेंट, उनके बारे में पढ़ना या उनके उनको मैनेज करना, उनको उनको रखना, ओके, हनी बीज को रखना, दैट इज कॉल्ड एज एपिकल्चर, क्लियर। सो हनी बीज मेनली लिव इन बीहाइव, वो बीहाइव में रहते हैं। और अगर हम आर्टिफिशियल बीहाइव बनाते हैं, बड़ा वाला लार्ज आर्टिफिशियल बीहाइव, हम उसे क्या बोलेंगे? एपियरी, ओके, इट इज कॉल्ड एज एपियरी। ओके, नाउ विल कम टू सम फीडिंग हैबिट्स। व्हाट इज फीडिंग हैबिट? फीडिंग हैबिट लिखा गया यहाँ पे, मीन्स क्या खाते हैं। वी ऑल हैव डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स, सम लाइक वेज फूड, सम लाइक नॉन वेज फूड।
सो ऑन द बेसिस ऑफ फीडिंग हैबिट्स वी कैन डिवाइड एनिमल्स इनटू थ्री ग्रुप्स. द फर्स्ट वन इज हार्बीवर्स. कौन है हार्बीवर्स? दोज एनिमल्स हु डिपेंड अपन प्लांट्स और दोज हु ईट ओनली प्लांट्स. एग्जाम्पल्स तुम खुद जानते हो, ढूंढ के लिखना. ओके, लाइक काउ, गोट एंड ऑल दैट. कार्निवोर्स क्या है? कार्निवोर्स आर दोज एनिमल्स हु ईट ओनली फ्लैश, लाइक लायन, टाइगर. ओमनीवर्स क्या है? ओमनीवर्स आर दोज एनिमल्स हु ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश, क्लियर? लाइक बियर, ह्यूमन बींग्स, क्रो, क्लियर? ओके, तो बेसिक चीज चैप्टर खत्म हो गया. थोड़ा सा आगे जाते हैं. दो वर्ड्स हम यूज करते हैं, ऑटोट्रॉप और हेटरोट्रॉप. तो पहले ऑटोट्रॉप क्या है समझाता हूं. ऑटोट्रॉप मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो खुद का खाना खुद बनाए. द ऑर्गेनिजम्स विच मेक देयर ओन फूड आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉप्स, क्लियर? जैसे कौन बनाता है? ग्रीन प्लांट्स खुद का खाना खुद बनाते हैं. तो जो वर्ड ऑटोट्रॉप है, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? ऑटो का मतलब सेल्फ है, ट्रॉप का मतलब फूड है. तो सेल्फ फूड मींस दे विल मेक देयर ओन फूड. सेल्फ मतलब खुद का. ओके, सो ग्रीन प्लांट्स खाना बनाते हैं कौन सा प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, क्लियर? ओके, सो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? बेसिकली फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे ग्रीन प्लांट्स खुद का खाना खुद बनाते हैं. लेकिन किस तरह से बनाते हैं? वो तीन चीज यूज करते हैं. ओके, मेनली दे विल यूज वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट. ये तीन चीज से बनाते हैं अपना खाना. लेकिन एक और चीज का मदद लगता है, वो है क्लोरोफिल, क्लियर? बताऊंगा ये क्या है. फर्स्ट डेफिनेशन समझ जाओ. क्या है फोटोसिंथेसिस? इट इज अ प्रोसेस बाय विच द ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड. खुद का खाना खुद बनाएंगे. ओके, बाय यूजिंग व्हाट? बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट. वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट यूज करके वो खाना बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल. उस चीज में और क्या, किसकी मदद लेनी पड़ेगी उनको? क्लोरोफिल की. ओके, सो क्लोरोफिल क्या है हम जान लेते हैं. जो प्लांट्स ग्रीन दिखते हैं ना, वो क्यों ग्रीन दिखते हैं? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल है, क्लियर? सो क्लोरोफिल एक्चुअली क्या है? इट इज द ग्रीन पिगमेंट ऑफ प्लांट. पिगमेंट मतलब एक कलर पिगमेंट होता है जो मेनली प्रोटीन इन नेचर होता है. तो वो हम अभी फिलहाल उतना डीप नहीं जाएंगे, बस जानते हैं क्लोरोफिल इज द ग्रीन पिगमेंट ऑफ द प्लांट, क्लियर? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल द प्लांट्स लुक ग्रीन. ओके, लास्ट टॉपिक इज हेटरोट्रॉप. यहां जान गए थे ऑटोट्रॉप क्या है. द ऑर्गेनिजम्स विच मेक देयर ओन फूड आर ऑटोट्रॉप्स एंड द ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट मेक देयर ओन फूड एंड डिपेंड अपन अदर्स फॉर फूड आर कॉल्ड एज हेटरोट्रॉप. जो अपना खाना खुद ना बनाए और दूसरों के खाने में और दूसरों से खाना लेके खाएं, वो है हेटरोट्रॉप. जितने हार्बीवोर्स, जितने कार्निवोर्स, जितने ओमनीवोर्स, सबके सब हेटरोट्रॉप है. जितने एनिमल्स है ना, प्लांट्स को छोड़ दो, जितने एनिमल्स है सबके सब हेटरोट्रॉप है. हेटरो का मतलब अदर्स, ट्रॉप का मतलब फूड, मतलब दूसरों से खाना खाना, क्लियर? आइडिया तो आ गया. तुम्हारा ये पहला चैप्टर यहाँ खत्म होता है. ये नोट्स भेज दूंगा, जस्ट राइट डाउन द नोट्स, अंडरस्टैंड इट. इफ यू फेस एनी काइंड ऑफ डाउट, प्लीज गिव मी अ कॉल. I will clarify your doubts. Thank you.